नेक्स्ट कम्स गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कांत, द ओनली अनकंडीशनली गुड थिंग इज अ गुडविल, एन इंडिविजुअल्स इंटेंशन टू डू व्हाट इज राइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसिक्वेंसेस। ये जानते हुए भी कि हमारे किए हुए एक्शन शायद लोगों को पसंद ना आए, शायद कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, पर अगर उस इंडिविजुअल की इंटेंशन वो काम सही करने की है तो वो काम गुडविल से किया गया है, वो काम सही विल से करा गया है। तो यही हमारा इस पॉइंट का मतलब था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम। कांट आर्ग्यू दैट ऑल्दो आवर एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय मॉरल लॉ, वी एक्सपीरियंस फ्रीडम बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू चूज टू फॉलो दैट लॉ। चाहे वो लॉ बनाए गए हैं, चाहे मॉरल लॉज बनाए गए हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, ये चीज फॉलो करनी चाहिए, पर अगर हमारे पास फ्रीडम ही ना हो तो हम उस लॉ को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं आएगी कि हमें किसी भी चीज को फॉलो करना है, या हमें ये फ्रीडम है कि हम उस चीज की तरफ बढ़ सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। हिज मेजर वर्क क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इनकी एक और प्रोज रीडिंग थी, एम्ड टू एग्जामिन द लिमिटेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये चीज़ इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं जान सकते। ऐसे ही ह्यूमन नॉलेज की भी कुछ लिमिटेशंस और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ही डिस्कस्ड द बाउंड्रीज ऑफ मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स एंड क्रिटिक अटेम्प्ट्स टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये बताते हैं कि मेटाफिजिक्स जो हमारी फिलोसफी ऑफ नेचर है कि हम कैसे जान सकते हैं नेचर के बारे में और नेचर क्यों एग्जिस्ट करता है, नेचर की चीजें जो फीचर्स हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही क्यों हैं। एंड क्रिटिक अटेम्प्ट्स टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ये उन्होंने जानना चाहा कि कैसे एक इंसान, कैसे कोई भी इंसान ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिमिट से आगे बढ़ के जान सकता है नेचर के बारे में। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। In this work, Kant explored moral philosophy, discussing the nature of ethics and the foundations of moral principles. अब ये जो हमारे principles हैं जिनको हम follow करना चाहते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, अपना काम time से करना चाहिए, और जितने भी हैं कि हमें किसी भी art में हमारे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, ऐसे जो एथिक्स हैं हमारे, ये एथिक्स आए कहाँ से हैं? क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इनके बारे में फिलॉसफी दी गई है। तो आप देखते हैं कांत का जो कांत के जो काम है, इमैनुअल कांत के जो काम है वो कितने वाइडेंट हैं, कितने वाइड स्प्रेड हैं, जिसमें उन्होंने हर तरह की रीजन पे, हर तरह की फिलॉसफी पे अपने क्रिटिक्स दिए हुए हैं, क्रिटिकल अपने एनालिसिस दिया हुआ है। आई एम सॉरी, गोइंग टू द नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट, इट इज द लीगेसी। कांत प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, metaphysics, aesthetics, and political philosophy. His ideas sparked debates and developments in philosophy for centuries, contributing to modern philosophical thought. अब जो हमारे कांत हैं, उन्होंने अलग अलग चीजों पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उनको अच्छे से एनालाइज किया, उनके बारे में थ्योरीज दी। इन सब के बारे में थ्योरीज हैं तभी उनके बारे में हम पढ़ पा रहे हैं। ऐसी फिलोसफीज को पढ़ना एज अ पर्सन डिफिकल्ट है, पर इनकी थ्योरी देने के बाद दूसरे क्रिटिक्स को ये पॉइंट ऑफ व्यू मिला, दूसरे क्रिटिक्स को ये चांस मिला कि वो इसको एनालाइज कर पाए और फिलॉसफी के बारे में और जान पाए। सेंचुरीज तक, अभी तक, टिल द डेट, अलग अलग क्रिटिक्स इनकी रीडिंग्स को लेके, इनके टेक्स्ट को लेके, इनकी दिए हुए टेक्स्ट को देके अपना फिलॉसफी में क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। Do not forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching. Keep watching, keep learning. Thanks.